हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। हमारे सारे दर्शकों को ईद मुबारक, सलामत हरी राया। तो आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करने का सहयोग कीजिए, और आखिर में आपको ये जगह और वीडियो पसंद आया तो कृपया एक लाइक कीजिए। तो चलो, तो फिर मैं आज आपको मलेशिया के एक खूबसूरत जगह पे लेके जाने वाली हूँ, और ये जगह है पुत्रा मस्जिद। पुत्रा मस्जिद मलेशिया की एक प्रमुख मस्जिद है। यह मस्जिद मलेशिया के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर है और सितंबर 1999 में बनकर तैयार हुई है। क्योंकि यह पर्यटन स्थल है, इसीलिए सभी धर्मों के लोगों को अंदर से देखने की अनुमति है। यह पुत्रा चौक पर स्थित है और मानव निर्मित पुत्रजाया झील के निकट है। सम्मान के संकेत के रूप में सभी धर्मों और विश्वासों के आगंतुकों को पुत्रा मस्जिद में प्रवेश करने पर कवर करना आवश्यक है। महिलाओं को एक हेड स्कार्फ भी पहनना चाहिए। यह मस्जिद में तीन मुख्य कार्यात्मक क्षेत्र शामिल हैं। पहला है प्रार्थना कक्ष, दूसरा है सहन या आंगन, और तीसरा है विभिन्न कला सीखने की सुविधाएं और समारोह कक्ष। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह मस्जिद इतनी बड़ी है कि एक बार में यहाँ पे 15,000 उपासक इकट्ठे हो सकते हैं। इस मस्जिद में गुलाब के रंग की ग्रेनाइट के साथ गुलाबी गुंबद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।